माफी योजना के अंतर्गत भिंड जिले के 64,721 कृषकों को चिन्हित किया गया था जिन्होंने कृषि ऋण प्राप्त किया था, जिसमें से 58,780 कृषकों ने ऋण माफी के लिए आवेदन पत्र भरे थे। इन 58,780 लोगों में से प्रथम चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणी 2,271 कृषकों के 12,41,67,686 रुपए और केंद्रीय सहकारी बैंक के 24,206 कृषकों के 74,27,97,849 रुपए का ऋण माफ किया गया था। कुल मिलाकर प्रथम चरण में हमने 26,477 लोगों के 86,69,65,535 रुपए जो उनको सभी को प्राप्त हो चुके हैं। आज हमारे ये द्वितीय चरण की शुरुआत है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारे मंत्री जी डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने आपको यहाँ पर शुभारंभ किया इसका, जिसमें द्वितीय चरण में जो प्रथम किस्त हमारे पास आई है उस प्रथम किस्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणी 679 कृषकों के 5,01,72,075 रुपए और केंद्रीय सहकारी बैंक के 1,121 कृषकों के 7,25,06,014 रुपए माफ किए गए हैं। अर्थात प्रथम किस्त में कुल 1,800 किसानों के 12,26,78,090 रुपए की माफी इस दूसरी योजना में पहले दिन की माफी में दी है। इसके बाद दूसरे दिन जो हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए हैं, सॉरी जो हमारे पास स्वीकृति के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, वो आवेदन है 4,607। इन 4,607 आवेदनों के अगेंस्ट में 33,30,00,000 रुपए की राशि जो हमने कल स्वीकृत की है वो आपके खातों में एक या दो दिन में आएगी, वो भी अभी स्वीकृत हो गई है। और कुल मिलाकर यदि हम पूरी सभी कृषकों की खाती देखते हैं तो अभी तक हमारे जिले में 32,877 कृषकों के कुल 132,06,14,146 रुपए की माफी की जा चुकी है और शेष जो हमारे लोग रह गए हैं इन 58,780 में से उनके ऋण की माफी चरण में जैसे जैसे अभी आती जाएगी हमारी बहुत जल्दी वो माफी पूरी हो जाएगी। ये हमारा ऋण माफी का जानकारी थी जो हमारे जिले से संबंधित है। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कंसर्न है और आप सभी की सबसे बड़ी समस्या है वो है आवारा गोवंश की। आवारा गोवंश के संरक्षण के लिए और इनके समस्या से सुधार के लिए भिंड जिले को इस वर्ष में 30 गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य राज्य शासन से प्राप्त हुआ था। इन 30 के लक्ष्य के अगेंस्ट हमने 41 गौशालाओं की स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ किया था। खुशी की बात है कि वर्तमान में जिले की 6 गौशालाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनमें से आज हमने टोकन स्वरूप 5 गौशालाओं का यहाँ पे लोकार्पण आपके सामने किया है और जो इसके बाद 12 गौशालाएं ऐसी हैं जो हमारी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट होने की स्थिति में है और 23 गौशालाओं का निर्माण हमारा इस जनवरी महीने के अंत जनवरी महीना जो आ रहा है उसके अंत तक यानी 31 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसा करने से हमारी करीब जो
45 गौशाला हुए हैं, उनमें करीब 4 से 5 हज़ार का गोवंश हमारा आ जाएगा और इससे आपको काफ़ी राहत आने वाले टाइम में मिलेगी। इस गोवंश के संरक्षण के लिए जहाँ सरकार प्रयास कर रही है वहाँ पे हम कुछ गो सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि अभी सभी तक हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी जिन कुछ लोगों से हमारा संपर्क हुआ है उन्होंने हमें गो कास्ट के लिए अभी 5 मशीनें दान दी हैं जो हम भिन्न भिन्न गौशालाओं में देंगे और इसी तरह आगे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि और भी लोग आगे बढ़ेंगे तो हम गौशालाओं को आगे सुदृढ़ करने का काम करेंगे। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दूसरी एक मशीन राजेश शर्मा जो संचालक हैं बाल विहार मंदिर के और भिन्न के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं उन्होंने दान की है। तीसरी मशीन एक हमारे जिले के IRS है यानी इंडियन रिवेन्यू सर्विस में जो इनकम टैक्स जिसको अपन जानते हैं श्री अभिषेक चौहान जी उन्होंने नवादा बाग के रहने वाले हैं, वो आजकल लखनऊ में पोस्टेड हैं, एक दो दिन पहले आए थे तो मेरे से मिले थे तो बोले मैं कुछ कर सकता हूँ तो क्या, तो एक मशीन उन्होंने दान दी है श्री अभिषेक सिंह चौहान ने। हमारे पंडित जी हैं दिनेश चौधरी, पंडित जी चौकी वाले बहुत ज़्यादा लोग उधर के सभी लोग जानते होंगे, पंडित जी ने एक मशीन हमको दान दी है और पंडित जी ने कुछ और लोगों से भी जो है हमको दान दिलाने की बात कराई है जिसमें श्री संतोष कुमार शर्मा है पावी वाले, इन्होंने